हर बार की तरह वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ पंक्ति आप लोगों के नाम। टच पैड के जमाने में भी कभी कभी माउस याद आता है। टच पैड के जमाने में भी कभी कभी माउस याद आता है। मंच पर माया मुलायम को देख कर वो पुराना गेस्ट हाउस याद आता है। यही वो लाइन है जो फिलहाल मायावती के दिमाग में आई होगी जब 25 साल बाद उनका मुलायम से आमना सामना हुआ होगा। याद आ गया होगा वो जमाना जब कांड हुआ था सरेआम नमस्ते। हम है प्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द चौपाल का ट्रोलिंग अड्डा। चलिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलती हूँ 25 साल पहले। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बच्ची को 25 साल पहले की बात कैसे पता है। कौन बच्ची? अरे भाई मैं तो आपको बता दूं, मुझे नहीं पता है, मैं तो बच्ची हूँ। मुझे मेरे बड़े बुजुर्गों ने बताया 25 साल पहले मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड में मुलायम जी के विधायकों ने बेहद शर्मनाक बेहूदगी की थी। उसी को इतिहास में गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। उस कांड से पहले मायावती और मुलायम की पार्टियां एक जिस्म दो जान थी, लेकिन उस कांड के बाद दोनों जानी दुश्मन बन गए। मायावती जी ने कसम खाई कि चाहे कुछ हो जाए मुलायम जी के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। भले सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से उगे, भले मई जून के महीने में दिल्ली के चांदनी चौक पे बर्फ गिरे, भले सलमान खान शादी कर ले, भले राहुल गांधी पीएम मोदी बन जाए, लेकिन अब सपा से गठबंधन कभी नहीं होगा। अब तो बस इंतकाम होगा इंतकाम। मायावती ने हुंकार बड़ी थी, चट गुंडों की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। तब से लेकर अब तक मुलायम अपने साइकिल पे सवार थे और मायावती अपने हाथी पे सवार थे। रास्ते अलग थे लेकिन मंजिल एक थी, वो थी गद्दी। अब जिस वक्त मायावती ने ये कसम खाई थी कि मुलायम जी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, उन्हें ये बात कहाँ पता था कि 25 साल बाद मोदी नाम का एक व्यक्ति आएगा जो मायावती को जीरो पे पहुंचाएगा और इतना डराएगा कि डर के मारे कसम वसम भूल के गठबंधन हो जाएगा। 25 साल बाद मुलायम के बगल में बैठी मायावती को देख के तो यही लग रहा था कि वो सोच रही होंगी कि मजबूरियों में बिक गए मेरे हालात, वरना महागठबंधन नहीं चलता मुक्का लात। खैर मायावती ने इसके बाद तो गजब ही कर दिया। बुआ जी बोली, हालात ऐसे हैं कि गेस्ट हाउस कांड को भुला दे रही है। इस वक्त सबसे जरूरी है बीजेपी को हराना। शायद ऐसा ही बोलना चाह रही होंगी मायावती दिल पे पत्थर रखकर कि मैंने तो ये सब कर लिया, अब तो जितवा दो मेरे भतीजो। और बोली, मुलायम तो जमजात पिछड़े हैं, मोदी जी की तरह फर्जी नहीं। सही बात बोला बुआ जी ने, मोदी फर्जी पिछड़े हैं, इसलिए सबसे अगड़े हैं। जो पिछड़े वाले जोन से बाहर नहीं आए वो आज भी सत्ता में बिछड़े हैं, जैसे आप और मुलायम जी। अरे मुलायम जी तो इमोशनल हो गए, उन्होंने कहा मैं मायावती का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन कौन सा एहसान, ये नहीं बताया मुलायम चाचा ने। लेकिन इस बात से ना एक बात याद आ गई, जब बुआ जी गेस्ट हाउस कांड भूल सकती है तो आप एहसान क्यों नहीं भूल सकते। चलिए छोड़िए, आप गुस्सा बहुत हो जाएंगे अगर आपको ज्यादा ट्रोल किया। वैसे एक बात बता दूं, सरकार तो बनती बिगड़ती रहेगी, लेकिन उस हादसे के बाद कम से कम एक बार बुआ जी को सोचना चाहिए था कि ये गठबंधन जरूरी है या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट। अब आप बताइए, अरे आपका मतलब हमारे व्यूअर्स गन, आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि क्या बुआ जी के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी था या फिर गठबंधन। और तब तक के लिए मैं चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी नए ट्रोल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्पीड बढ़ा दो, कितनी स्पीड है? स्पीड बढ़ा दो, कितनी स्पीड है? 25। एक मिनट, नीचे हो गया। नहीं ये वाला फिर से स्लो, थोड़ा सा स्लो कर दो बस। नहीं ये वाला फिर से स्लो, थोड़ा सा स्लो कर दो बस। फास्ट हो गया सर, शूट हो रहा है। मायावती ने हुंकार भरी थी, हुंकार नीचे। मायावती ने हुक्का, हुंकार या हुक्कार? हुंकार।